शादी के इस कार्यक्रम में भला ये हंगामा क्यों मचा? वजह है रसगुल्ला। दरअसल आगरा के एतमादोला में शादी समारोह था, जहां रसगुल्ले को लेकर बाराती और घराती आपस में उलझ गए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रसगुल्ले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद किसी की जान ले लेगा, क्योंकि रसगुल्ले के इस विवाद से पहले मारपीट, फिर कुर्सियां फेंकी गई और चाकूबाजी भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। रसगुल्ले को लेकर इस विवाद में एक शख्स को चाकू लगा, जिससे उसकी मौत हो गई और बारात दुल्हन के बिना ही बेरंग लूट गई। ये क्या नाम है? इमरान नाम है। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, कल हमारे यहाँ से बारात आई थी, बारात सही तरीके से चढ़ गई, चढ़ने के बाद में आधी से ज़्यादा बारात खाना खा के वापस भी खंदौली चली गई। कुछ बच्चे रह गए जो निकाह होता है उसके लिए रह गए बच्चे, थोड़ा कोई बात हो गई और बात में ही लोगों ने कम से कम इतनी मारपीट और इतनी गुंडागर्दी करी। किस बात को लेके हुआ था भैया? ये जानकारी हमें भी नहीं है, पर कुछ खाने दाने के ऊपर हुआ था सर। इसमें इंजर्ड कम से कम 35-40 चाकू लगने से 20 साल की एक लड़की की मौत की खबर है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। रात में एक जो घटना प्रकाश में आई है थाना क्षेत्र एतमादपुर में, यहाँ पे कुछ रसगुल्ले को लेके एक विवाद हुआ, विवाद बढ़ते बढ़ते फिर मारपिटाई पे हुआ। उसमें एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया, उसको अस्पताल में जब ले जाया गया तो उसको बताया गया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उससे हम तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो हमें मिले आएगी। अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें 2 लोग घायल हैं, उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी बॉडी मॉर्चरी में रखी गई है, उसका पोस्टमार्टम हेतु की जो कार्रवाई है वो हम करा रहे हैं। बता दें, खंदौली के रहने वाले व्यापारी वकार के 2 बेटे जावेद और राशिद की शादी एतमादपुर में रहने वाले उस्मान की बेटियां जैनब और साजिया से थी। बाराती को खाना खिलाया जा रहा था, एक बाराती ने एक रसगुल्ला मिलने पर एक और मांगा, लेकिन काउंटर पर खड़े युवक ने कहा कि सबको एक ही मिलेगा। इसी बात पर विवाद बढ़ा और 1 से 1.5 घंटे में आधी बारात खाना खाकर वापस लौट चुकी थी। तभी लोकल का मामला था तो सभी घर जाना चाहते थे। निकाह के लिए कुछ खास रिश्तेदार और दूल्हे के दोस्त भी वहाँ रुके थे और इसी दौरान ये पूरा विवाद बढ़ा, जिसमें 20 साल के सनी की मौत हो गई और घटना के बाद से दुल्हन का परिवार भी फरार है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसे समस्या से परेशान हैं आप, तो घबराए नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज, जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना, तो डॉक्टर गुलशन जांगिड से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभव ने हजारों का किया है उपचार, जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड जोड़ और कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड का लक्ष्य। डॉक्टर गुलशन जांगिड, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662। फोन नंबर 01571294293। तो दर्द से पाना है छुटकारा, तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।